अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन टेरियाकी कैजरोल की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेरियाकी कैजरोल बनाने के लिए मुझे चाहिए बॉइल्ड राइस, ये और मैंने ऑलरेडी बॉइल करके रख लिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी उसमें है सफ़ेद तिल, मेरे पास ये 1 टेबल स्पून लिए हुए हैं। इसके अलावा मैंने चिकन थाई बोनलेस ले ली है और इसको इस तरह स्मॉल पीसीस में कट कर लिया है। इसमें नमक, काली मिर्च और 2-3 चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर के मैंने लगा के अच्छा सा इसको मैरिनेट करके रख लिया हुआ है। इसके अलावा जो है मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑरेंज जूस, 1/2 कप वाटर और इसके अलावा मैंने लिया है 2 टीस्पून जो है मेरे पास है, मैंने शामिल किया है इसमें अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून जो है लहसुन का पेस्ट, 6 टेबल स्पून जो है मेरे पास सोया सॉस था, 3 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ऑस्टर सॉस के डाले हैं। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून भर के सेसमी ऑयल डाला है और इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए 1 टेबल स्पून जो है मैंने चिली ऑयल डाला है, वो ऑप्शनल है। इसके अलावा नमक टू टेस्ट आप डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाली है और 3 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के हैं। तो इन तमाम को मैंने मिक्स किया हुआ है। ये 1/2 कप लेमन ऑरेंज जूस और मैं इन तमाम चीज़ों को मिला के इस मिक्सचर को रेडी करके और एक साइड पे हम रख लेते हैं, इसको हम लेटर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको साइड पर रख लेते हैं और आगे मैं आपको बताती हूँ अब कैसे इसको बनाना है। अब एक वॉक में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल के डाल लिए हैं और ऑयल को हम गर्म होने देते हैं और फिर हम अपने चिकन को इसमें रोस्ट करेंगे। और इसके अलावा जो है इसमें मैं शामिल करूंगी, ये मैंने मिक्स वेजिटेबल ली है, मेरे पास जो है फ्रोजन है तो आप फ्रेश भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपने सॉस में जो है 3 टेबल स्पून भर के हनी के इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी जगह आप ब्राउन या वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब हमारा गर्म हो जाता है तो इसमें हम अपनी चिकन को अच्छा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब हम चिकन को जो है दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक इसको पका लेंगे। इसको हमने फुल कुक नहीं करना, सिर्फ इसकी बोथ साइड से नाइस गोल्डन ब्राउन कलर देना। तो इसको हमने एक साइड से पक लेता है, फिर मैं दूसरी साइड से पकाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा जो है दोनों साइड से अच्छा सा इसने गोल्डन ब्राउन कर लिया, अपने आप कलर जो है इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको जो है अब मैं निकाल लेती हूँ और मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बॉइल्ड राइस में जो है मिक्स वेजिटेबल्स भी डाल दिया है और हमारा जो चिकन था वो भी कुक करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये जो मैंने सॉस बना के रखा था, ये 1/2 सॉस जो है मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप कोई सी भी बेकिंग ट्रे ले लें, यहाँ पे मैंने डच ओवन जो है पॉट वो यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो चावल मैंने मिक्स किए हुए थे ये मैं तमाम जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और मैं इसको जो है 350 फॉरन हाइट पे तकरीबन इसको जो है मैं 25 से 30 मिनट के लिए इसको मैं करूँगी कुक और उसके बाद जो है मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो अभी इसमें मैं डाल लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमने जो सॉस बचाया था उसको जो है इसके ऊपर इस तरह से हम डाल देते हैं और इसको जो है अब मैं 350 फॉरन हाइट पे इसको मैं बेक करने लगी हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए और उसके बाद इसको बेक करने के बाद मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा बेक, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 30 मिनट इसको ओवन में कर लिया है बेक और ये हमारे मज़ेदार जो है चिकन टेरियाकी कैजरोल बनके तैयार है। और अब हम इस पे जो है सफ़ेद तिल जो है वो डाल देंगे, आप अपनी पसंद से, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार राइस जो है बनके तैयार है। इन्हें मैं करती हूँ डिश आउट और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन टेरियाकी कैजरोल बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।